हेलो माय डियर फैमिली, एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि प्रिंसेस जियान जियान वापस आ जाती है और खाना खा रही होती है। वहां पर ही क्वीन मॉम कहने लग जाती है कि इसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे, इसी वजह से ये इस तरह से खाना खा रही है, पता नहीं इसने क्या क्या फेस किया होगा। तभी प्रिंसेस जियान जियान कहने लग जाती है कि जब मेरी जाग हुई थी तो मैंने देखा मैं जंगल में पाई गई हूँ और मुझे वहां पर बहुत डर लग रहा था। तो क्वीन मॉम उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत से बंदों को भेजे थे, क्योंकि शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ चुकी हो। तभी वो कहती है कि मेरे किंग कहाँ है, मैंने उनसे शादी करनी है, वो मुझसे शादी करेगा आखिर। तभी फिर क्वीन मॉम कुछ बोलने लगती है तो प्रिंसेस फिर ही कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कुछ सच बताना है, और सच ये है कि किंग की लाइफ में कोई क्वीन आ चुकी है। तभी जियान जियान गुस्सा होने लग रही होती है और क्वीन मॉम उसे थोड़ा चिल करने की कोशिश करती है। तभी वो कहती है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं ही यहाँ की क्वीन बनूंगी, और वैसे भी मैंने डोंगशन फैमिली को इसीलिए छोड़ा था कि मैं उससे शादी करूंगी और तभी फिर मैं वापस डोंगशन फैमिली में जाऊंगी, अब मैं किस तरह से जा सकूंगी। तो वहां पर भी प्रिंसेस फिर ही कहने लग जाती है कि तुम घबराओ मत, तुम्हें नहीं पता वो लड़की बहुत ज्यादा तेज है, उसने अपने जादू में सबको नचा के रखा हुआ है और किंग भी उसकी बातों में आ गया है, और किंग तो अब क्वीन मॉम की भी कोई बात नहीं सुनते। तभी फिर प्रिंसेस जान जान कहने लग जाती है, ये कैसे हो सकता है, मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उसको ढूंढ के लाती हूँ। तभी फिर वहां पर प्रिंसेस फेरी कहती है कि तू पहले अपना खाना खत्म कर लो, वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं उसको ढूंढ के रहूंगी, और वो गुस्से से चली जाती है। तभी फिर ये दोनों मुस्कुराने लग जाती है और क्वीन मॉम कहती है कि प्रिंसेस फेरी, तुम दिन ब दिन बहुत ज्यादा तेज होती जा रही हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बाद यहाँ की हेड सिर्फ तुम बनोगी। और ये लोग मुस्कुराने लग जाती हैं। अब प्रिंसेस जान जान बैंग जैंग के रेस्टिंग एरिया में आके शोर मचा रही होती है, तो वहां पर ही जनरल साहब बाहर निकलता है और उसे कहता है कि तुम हो कौन। तो जैसे ही वो जनरल साहब को देखती है तो देखती रह जाती है, क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। तभी फिर वो उसके पास आती है, उसकी चेस्ट पे मारकर कहती है कि वाह, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, और पीछे से ही बैंग जैंग और लियांग जैंग आ जाती है। तो जैसे ही वो बैंग जैंग को देखती है तो बैंग जैंग उसे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर आकर मेरी रेस्टिंग एरिया में इस तरह से शोर क्यों मचा रही हो। तभी वो कहती है, क्या तुम हो किंग, लेकिन तुम इतने ज्यादा गुड लुकिंग तो नहीं हो। और वहां पर ही लियांग लियांग कहती है कि अच्छा, तुम प्रिंसेस जियांग जियांग हो। तभी फिर वो लियांग लियांग का फिंगर पकड़ के कहती है, अच्छा तो तुम जादूगरनी हो, तुम्हें तुम्हें यहाँ पर ही अभी मार डालूंगी। और वहां पर ही बैंग जैंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी क्वीन का हाथ पकड़ने के लिए। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैजेस्टी, तुम थोड़े तो रिस्पॉन्सिबल बनो, तुमने मेरे से इंगेजमेंट जो की थी। तभी फिर वो लोग उससे हाथ छुड़वाते हैं और फिर वहां पर ही बैंग जैंग कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। तभी वो कहती है कि तुम इस जादूगरनी से अपनी जान छुड़ा लो, मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, अगर तुमने ये सब कुछ ना किया तो डोंगशन फैमिली के बहुत से सोल्जर्स यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा तुम्हारे किंगडम में शोर मचाने लग जाएंगे। तभी फिर वो लोग चुप हो जाते हैं और वहां पर ही प्रिंसेस जान जान देखती है जनरल साह को और वहां पर ही उसे कहती है कि अगर मेरी एंगेजमेंट ना हुई होती ना तो मैं तुम्ही से शादी करती। खैर, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर कुछ राउंड लगा। और वहां पर ही वो मुंह बनाने लग जाता है। फिर दिखाती है कि लियांग लियांग अपनी बाजू पे ट्यूब लगा रही होती है और बैंग जैंग उसे देख रहा होता है। तभी वो उसे कहती, फिर अब बताओ तुम इन 3 दिनों में क्या करने वाले हो, क्या तुम प्रिंसेस जियान जियान से शादी कर लोगे। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता हो रही है कि वो अब तुम्हारी जगह ले लेगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारी क्वीन तो वैसे नहीं बनना चाहती, और वैसे भी प्रिंसेस जियान जियान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम उसको हरगिज नहीं हरा सकते। तभी वो उसे कहते हैं, अच्छा तो ऐसा है, तुम्हारी लैंग्वेज में ये कहा जाता है ना, क्या तुम जेलस हो रही हो। तभी वो उसे कहती, मैं और जेलस, हरगिज नहीं। और वो वहां से चली जाती है और बैंग जैंग पीछे से मुस्कुराने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि प्रिंसेस जियान जियान, प्रिंसेस फेरी, ये लोग सब शॉपिंग कर रहे होते हैं और पीछे से जनरल साह ने उनका सामान पकड़ा होता है। तो वहां पर ही प्रिंसेस फेरी उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। अब उसका पसीना साफ कर रही होती है तो उसके हाथ में जो सामान होता है वह गिर जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि ज्वेलरी का एक पीस टूट चुका होता है। अब वो दोनों एक साथ उसको टच करते हैं, वहां पर ये दोनों का हाथ फिर से टच होता है और ये दोनों फिर से शर्माने लग जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि प्रिंसेस जियान जियान इनको देख रही होती है और आकर कहती है कि ये क्या, मुझे ये ज्वेलरी बहुत पसंद थी। वहां पर ही प्रिंसेस फेरी उसे कहती है कि तुम घबराओ मत, मेरे पास बहुत सी अच्छी ज्वेलरी है, मैं तुम्हें वही दे दूंगी। तभी फिर वो हंस के कहती है, चलो इट्स ओके, जनरल साह से नुकसान हुआ है ना, ये इतना ज्यादा हैंडसम है, इट्स ओके, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। और वहां पर ही प्रिंसेस फेरी देखती है कि जब ये इसको लाइन मार रही है तो वहां पर ही वो गुस्सा होकर जेलस होने लग जाती है। अब प्रिंसेस जियान जियान बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है और प्रिंसेस फेरी उसे देखकर कहती है कि तुम खाना खा लो, मैं बिल डन करवा कर आती हूँ। अब वो जैसे ही बिल बनवाने के लिए जाती हैं तो पीछे से कुछ बंदे उसको छेड़ने लग जाते हैं। अब वो जिस तरह उसके साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं तो जनरल साहब देखते हैं तो प्रिंसेस फेरी को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और उनसे बहस करने लग जाते हैं। वहां पर ही प्रिंसेस जियान जियान कहती है कि मैं इनसे निपटती हूँ, लेकिन प्रिंसेस फेरी कहती कि नहीं, जनरल साह ही काफी है, वो बहुत अच्छी फाइटिंग करता है। तभी फिर जनरल साह अपनी वही स्पेशल मूव अपनाता है
और उसे फाइटिंग करने लग ही रहा होता है तो वो बंदा वही मूव्स देखकर ही बेहोश हो जाता है। तभी फिर वहां पर सब इंप्रेस होने लग जाते हैं और प्रिंसेस जान जान भी बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और जनरल शाह के पीछे और ज्यादा पागल होने लगती है कि मैंने इस तरह का बंदा पहले कभी नहीं देखा। इधर से दिखाते हैं कि क्वीन मदर के पास प्रिंसेस जान जान ये अनाउंस कर देती है कि वो अपने साथ दूल्हा बनाकर जनरल शाह को लेकर जाएंगी। तभी फिर क्वीन मदर कहती है क्या वाकई तुम जनरल शाह को अपने साथ लेकर जाओगी। तभी वो कहती है कि हाँ हमारे डॉक्शन में ये बात कही जाती है कि जबरदस्ती की शादी कभी नहीं चलती और वैसे भी किंग मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मैं तुम लोगों के लिए मसला पैदा क्यों करूं? मैं जनरल शाह के साथ ही शादी करूंगी और डॉक्शन फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहां पर ही प्रिंसेस फेरी एतराज करने लग जाती कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तभी फिर प्रिंसेस जान जान कहती क्यों। तभी फिर वो थोड़ा बहाना करती है और कहती है कि नहीं अगर वो तुम्हारे साथ चला गया तो पीछे से मैं और क्वीन मदर बहुत ज्यादा तन्हा हो जाएंगे, हमारे पास कोई नहीं बचेगा। तो प्रिंसेस जान जान कहती है ये मेरा मसला नहीं है, मैं ही अपने साथ जनरल शाह को जरूर लेकर जाऊंगी और वही मेरा दूल्हा बनेगा। और वहां पर ही क्वीन मदर कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम अपने साथ जनरल शाह को ले जाओ। और वहां पर ही प्रिंसेस फेरी कहती आंटी ये आप क्या कह रही है। तभी फिर वो उसको तसल्ली देती है कि तुम परेशान मत हो क्योंकि वो मन में कोई प्लानिंग कर चुकी होती है। अब जनरल शाह किंग और क्वीन आपस में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहां पर ही ये दोनों मजाक जनरल शाह का उड़ा रहे होते हैं कि तुम्हारी शादी होने जा रही है। तभी फिर वो उसे कहते हैं कि नहीं मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और अगर मेरी इससे शादी हो भी जाती है और मैं डॉन्शन चला जाता हूँ तो मैंने सोच रखा है कि मैं वापस इस वर्ल्ड में नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे प्रिंसेस फेरी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, अब वो इस चीज को लेकर चिंता हो रहा होता है। और वहां पर ही वो कहता है कि खैर मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, फिलहाल तुम दोनों एंजॉय करो, मैं बाहर जा रहा हूँ मौके के लिए। तभी फिर वहां पर उसको लियांग लियांग रोक रही होती है कि नहीं तुम भी हमारे साथ ड्रिंक करो ना मत जाओ, लेकिन वो चला जा चुका होता है। तभी फिर वहां पर वो बात करते करते थोड़ा बेहोश हो रही होती है और उसको वेंगजिंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रिंक करती हो। तभी फिर उसको देखकर कहती है कि वाओ आ तुम कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तभी फिर उसे कहता है कि मैं हमेशा ही अच्छा लगता हूँ। तभी फिर वो उसे कहती है नहीं लेकिन आज तुम ज्यादा अच्छी लग रहे हो। और ये बात कहते कहते वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है। तभी फिर दिखाते हैं कि वेंगजिंग उठता है, उसे अपने कंधे पे सहारा देता है और गोद में उठाकर उसको ले जाते हैं और वहां पर ही जाकर उसको उसकी बिस्तर पर लिटा देता है। फिर देखते हैं कि उसको देख रहा होता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह ठीक करता है और जो कर्टन इन्होंने बीच में लगाया होता है उसको ठीक करके लेट जाता है। अब जिस तरह से ये लेटता है तो वहां पर ही लियांग लियांग करवट बदलती है। तो जैसी वो करवट बदलती है तो दिखाते हैं कि वो जो कर्टन होता है उस पर उसका पाँव लगता है और वो कर्टन गिर जाता है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसी कर्टन इनके मुंह पर गिरता है और ये बिल्कुल करीब आ जाती है वेंगजिंग के। तो वेंगजिंग देखकर लियांग लियांग को कहते हैं कि ये क्या तुम क्या कर रही हो। अब वो नशे में उसे कहने लग जाती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, तुम किसी और से शादी मत करना। तभी वो उसको देखता है और मुस्कुराता है और वहां पर ही वो उसके सर को सहलाने लग जाता है और उसकी फोरहेड पे किस करता है और वहां पर ही उसको हग करके ये सो जाता है। अब जैसे ही लियांग लियांग की सुबह जाग होती है तो जैसे ही उसका बाजू टच होता है वेंगजिंग को तो वो उठ के देखती है कि वो वेंगजिंग के बिस्तर पे है तो चिल्लाने लग जाती है कि तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम भी मेरे बिस्तर पे हो। तो जैसे ही वो देखती है इनका बिस्तर एक्सचेंज है तो वो कहती है ये कैसे हुआ। तो उसको बताने लग जाता है कि रात तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी तो तुम मेरी बाहों में आ गई थी और तुम अजीबोगरीब बातें कर रही थी। तभी वो कहती है हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो पूछती है कि खैर मैं क्या कह रही थी। तभी वो उसको बताने लग जाता है कि तुम मेरी बाहों में थी और तुम कह रही थी कि मुझे हक करो और मैं तुम्हें मार दूंगी और तुमने किसी और से शादी नहीं करनी। तभी वो चिल्लाने लग जाती है कि नहीं नहीं बस करो, मैंने ऐसा नहीं कहा होगा। तभी फिर वो चुप हो जाती है और फिर उसको देखकर मुस्कुराकर कहती है कि इस बात के बारे में किसी को भी नहीं पता, सिर्फ एक जमीन आसमान तुम्हें और मुझे पता है ना। और पीछे से ही जनरल शाह कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी वो उसको देखकर चौंकती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कब आए। तभी फिर उसे कहते हैं कि कुछ देर हो चुकी है। तभी वो कहती है इसका मतलब तुमने सब बातें सुन चुकी होगी। तभी वो कहते हैं खैर मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ। तो वो पीछे से चिल्लाने लग जाती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। तभी फिर वो इनको मैसेज देता है कि क्वीन मॉम ने हम सबको बुलवाया है, वो हमसे कुछ बात करना चाहती है। अब दिखाते हैं कि प्रिंसेस जान जान जाने की तैयारी कर रही होती है, बहुत हैप्पी होती है। वहां पर ही लियांग लियांग जनरल शाह को तंग कर रही होती है कि वाओ अब तो तुम्हारी शादी होने जा रही है, जब वापस आओ तो 6-7 बच्चे वापस लेकर आना। तभी वेंगजिंग कहते हैं 6-7 बच्चे क्यों। तभी वो कहती है कि इसकी फर्टिलिटी इतनी अच्छी जो होगी, इतनी सेहतमंद जो है। तभी वहां पर दिखाते हैं पीछे से क्वीन मॉम आ जाती है। तो जैसी वो आती है तो इन्हें अनाउंस करने लग जाती है कि क्योंकि तुम लोग जा रहे हो शादी करने के लिए, तुम लोगों के साथ क्वीन फेरी भी जाएंगी क्योंकि वो फेरी है, उसके पास बहुत सी पावर है तो वो तुम्हारे साथ जाएंगी। तभी फिर वहां पर लियांग लियांग कहती क्या मैं, और वहां पर ही क्वीन मॉम कहती है हाँ। और वहां पर ही फेरी कहने लग जाती है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा पावरफुल जो हो। तभी वो कहती है लेकिन ये काम तो हेड का है। तो वहां पर ही फेरी कहने लग जाती है कि बेशक ये काम हेड का है लेकिन वो तुम्हारी पावर से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए हैं कि वो भी ट्रेनिंग लेने चले गए हैं।
और प्रिंसेस जियान जियान कहने लग जाती है कि जनरल साहब मैं पीछे पहाड़ियों में बात लेने के लिए जा रही हूँ, तो जैसे ही मैं वापस आऊंगी तो हम वापसी के लिए निकलेंगे। तो क्वीन मॉम कहने लग जाती है कि हाँ तुम परेशान मत हो, तुम जैसे ही वापस आओगी तो जनरल साहब पैलेस में तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तभी वो क्वीन को कहती है चलो अब हमें चलना चाहिए। अब वो जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो वैंगजेंग उनको सी ऑफ करने के लिए जाता है और वहां पर ही लियांगलियांग को कहता है कि जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बहुत जल्द वापस आ जाना। तो वो उसे कहती है कि हाँ जरूर, और वैसे भी मैं इसको एक छोटे से ट्रिप की तरह इंजॉय करूंगी, मेरा एक टूर हो जाएगा। तभी फिर वहां पर ये लोग एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो जा रही होती है तो वैंगजेंग लियांगलियांग की तरफ देखे जा रहा होता है, जैसे उसका दिल कट रहा हो और कुछ अजीब सा वो फील कर रहा होता है। अब ये लोग जा रहे होते हैं और जियान जियान घुड़सवारी कर रही होती है और लियांगलियांग पीछे सो रही होती है। तो फिर दिखाते हैं कि अचानक से वहां पर मौसम बनने लग जाते हैं और सब लोग देख रहे होते हैं हैरानगी से कि तेज हवा चल रही होती है। तो अचानक से लियांगलियांग की जाग होती है, तो वहां से ही वो कर्टन उतारकर देखती है। तो जैसी वो देखती है तो देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसके तुरंत बाद ये सीन दिखाया जाता है कि प्रिंसेस फेरी बहुत अच्छे मूड में होती है, गुनगुना रही होती है। तो वहां पर उसके पास एक मेड आती है और उन्हें कहती है कि मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, मैं ये देख रही हूँ कि जनरल साहब आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन अब वो बहुत दूर जा रहे हैं अपनी शादी कराने के लिए, लेकिन आप इतनी ज्यादा खुश और मुतमइन कैसे हैं? तभी वो उसको देखकर मुस्कुराती है और कहती है क्योंकि मुझे ये पता है कि उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।